हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। दुल्हन जब ससुराल जाती है तो इस तरह से अगर आप मेकअप करे हुए तो सभी आपको देखते ही रह जाएंगे और सबसे खूबसूरत आप ही लगोगे। तो इस तरह से आप मेकअप करें तो किस तरह से मैंने ये मेकअप लुक किया है आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र कर लूँगी चेहरे पर। मॉइस्चराइज़र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना सारा हम मेकअप करते हैं, मॉइस्चराइज़र अगर आपका रहेगा तो आपका चेहरा ख़राब नहीं होगा। तो मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर करें सबसे पहले। तो इस तरह से हम कोई भी आप क्रीम ले सकते हो। तो अच्छे से मैं कर लूँगी, थोड़ा सा गले में भी करना है क्योंकि दोनों स्किन एक सा दिखना चाहिए। तो मैं गले में भी कर लूँगी। और अब मैं लूँगी प्राइमर। ये देखिए मैंने प्राइमर ले लिया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरे चेहरे में लगा लूँगी। आपको इसी तरह से बूंद बूंद करके लगाते जाना है और हल्के हाथों से इसको लगाना है। आपको रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मैं लगा लूँगी और गले में भी लगा लूँगी। अब मैं लूँगी ओलिवा का स्टिक फाउंडेशन। ये जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने मुझे लगा कि ये मेरे चेहरे से मैच नहीं करेगा। जब मैंने लगाया तो मेरे चेहरे में बिल्कुल मैच कर गया और बहुत ही अच्छा है, क्रीमी भी है, अच्छे से सेट भी हो जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं इसको गले में भी लगाऊंगी और चेहरे में भी लगाऊंगी। जहाँ डार्क एरिया है आप थोड़ा ज़्यादा लगाएं। और अब मैं लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर और इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। आपको डैप डैप करके सेट कर लेना है और ये देखिए इस तरह से आपको सेट कर लेना है। रगड़ना बिल्कुल नहीं है, तो मैं पूरे चेहरे में इस तरह से सेट कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा फाउंडेशन डार्क एरिया में और लगा लूँगी। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और फेयर करना है तो आप एक बार और लगा ले और इसको सेट कर ले। मैं एक ही बार ही लगाऊँगी, इसी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और मुझे हल्का मेकअप भी चाहिए था तो मैं इसी तरह से लगा लूँगी। और अब मैं लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर, इसको भी मैं ब्रश से अच्छे से सेट कर लूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो मेकअप हमारा सेट नहीं होता है और जगह जगह पर क्रैक सा लगता है। तो अच्छे से मैं इसको सेट कर लेती हूँ। गले में भी आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं लूँगी आईब्रो पेंसिल। ये मैंने ब्राउन कलर का लिया है आईब्रो पेंसिल, आप चाहो तो काला भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए मैं दोनों तरफ से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं लूँगी आई शेडो। आई शेडो मेरा ब्लाउज थोड़ा गोल्डन है तो मैं पहले गोल्डन कलर का आई शेडो लगाऊँगी और अच्छे से आपको इसको लगाना है। दोनों साइड में अच्छे से मैं लगा लूँगी, हल्का हल्का लाइट लाइट हमें लगाना है। इस तरह से हम लगा लेंगे। और अब मैं आई शेडो लगाऊँगी पिंक कलर का, वो भी मैं हल्का हल्का ही लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊंगी। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिएगा मेरा जो मेकअप है कितना अच्छा लग रहा है, लाइट में भी बहुत सुंदर लगता है। और अब मैं लगाऊंगी नीला कलर का, तो डार्क नीला मेरे पास था नहीं तो मैंने लाइट कलर का नीला कलर लगाया है, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये देखिए मेरी साड़ी नीले कलर का है। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी, आईलाइनर भी मैं बिल्कुल पतला लगाऊंगी, ज़्यादा मैं गहरा नहीं लगाऊंगी। अब मैं लूँगी मस्कारा, मस्कारा भी मैं हल्का ही लगाऊंगी, दोनों साइड से घुमा घुमा के लगा लेना है इस तरह से। और अब मैं लगाऊंगी काजल, काजल मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लगाऊंगी जिससे आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। काजल से आप पतला भी कर सकते हो, मुझे थोड़ा मोटा मोटा आँखें बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा फैला के लगाऊंगी तो आईज़ बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है। और अब मैं लगाऊंगी कॉन्टूर, ये भी मैं हल्के ही लगाऊंगी, आप देख सकते हो। तो चिक पे लगाऊंगी, उसके बाद मैं नोज में लगाऊंगी, दोनों साइड में हल्का हल्का। और ब्रश से मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी।
आप देख सकते हो कितना अलग लग रहा है नोज़, और चेहरा भी थोड़ा सा अलग हो जाता है कॉन्टूर से। और अब मैं पैलेट लूँगी और हाईलाइट करूँगी, मैं थोड़ा नाक में कर लूँगी बीच में नोज़ में, और हेड में भी थोड़ा सा लगा लूँगी इस तरह से, और लिप के ऊपर लिप के नीचे दोनों साइड में हल्का हल्का कर लेना है। अब मैं पिंक कलर का ब्लश कर लूँगी, बिल्कुल हल्के हल्का करना है, थोड़ा थोड़ा पिंक लगेगा, ये देखिए हल्का हल्का पिंक सा लग रहा है, मैंने आपको दिखाया नहीं पैलेट, पिंक कलर का मैंने ब्लश कर लिया है। और अब मैं लिप लाइनर लेती हूँ, लिप लाइनर लगाने से आपका लिप थोड़ा बड़ा लगता है तो आप लिप लाइनर ज़रूर करें। और ये मैं पिंक कलर का लिपस्टिक लगाऊंगी, ये भी वाटरप्रूफ है, पानी में बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, ब्लू हेवन का है, बहुत ही अच्छा है और कम प्राइस में भी मिलता है, बहुत ही अच्छा है। अब मैं बिंदी लगा लूँगी, पिंक कलर का मैंने बिंदी लगाया है और मैंने बाल को पहले बांध लिया था। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक, ये देखिए मेरा आईज़ भी देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाइट में भी कितना सुंदर दिख रहा है। आप भी इस तरह से सज सकते हो, और ये आप सिर में भी कपड़ा रख के भी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा मेकअप आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, और पसंद आए लाइक करें। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।